आज हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर है ये हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इसमें हम लोग देख रहे हैं, पहले आपको वीडियो में बताया गया था कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर में दो पार्ट में मेनली पार्ट्स ऑफ फ्लावर को डिवाइड किया गया है, जिसमें एक एसेसरी पार्ट बताया गया था और एक एसेंशियल पार्ट बताया गया था। क्या बताया गया था? एसेसरी पार्ट और दूसरा एसेंशियल पार्ट। तो इसी एसेंशियल पार्ट में अभी हम लोग ये देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है? तो ये स्टैमेन है और कार्पेल है। स्टैमेन ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि इस डायग्राम को, स्टैमेन का ये डायग्राम है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर है और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं एंथर और ये है इसको फिलामेंट। तो ये क्या हम लोग देख रहे हैं? ये स्टैमेन मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टैमेन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और इसके स्ट्रक्चर को अभी हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर में एक बार फिर देख भी लेंगे। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फिलामेंट और एंथर। एंथर जो ये स्ट्रक्चर है, इस चीज़ को हम लोग इंडिकेट करते हैं एंथर। ये जो एंथर है इसमें एंथर लोब होते हैं और ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू इसमें एंथर लोब में होते हैं पोलन ग्रेन्स और ये डिवाइड करके मेल गैमिट। पोलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल गैमिट। क्योंकि ये मेल पार्ट का स्टडी हम लोग कर रहे हैं तो मेल पार्ट में क्या होगा? ये पोलन ग्रेन है। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स एंड पोलन ग्रेन इज नॉन एज मेल गैमिट ऑफ फ्लावर। इसी तरह से दूसरा पार्ट है कार्पेल। ये है कार्पेल, इसको हम लोग गाइनेशियम भी बोलते हैं, गाइनोएशियम ऐसे हम लोग स्पेलिंग लिखते हैं, गाइनेशियम बोलते हैं। और इसको स्टैमेन को बोलते हैं एंड्रोसियम, सीधे सीधे बोलते हैं स्पेलिंग उसी तरह से एंड्रोएशियम, ई लगाते हैं इसलिए, लेकिन बोलते हैं एंड्रोसियम। और ये कार्पेल को गाइनेशियम। तो ये जो कार्पेल है ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। कार्पेल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम, ऑल्सो नॉन एज एंड्रोसियम, गाइनेशियम सॉरी। और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसके स्ट्रक्चर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये स्ट्रक्चर यहाँ स्वेलन पार्ट है, ये वाला है आपको हम लोग इसको बोलते हैं, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टिग्मा, ये बीच वाला है स्टाइल, और ये जो स्वेलन पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी। तो ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। ये जो पोलन ग्रेन है यही यहाँ पर ट्रांसफर होकर ये स्टिग्मा के पास आता है, तब पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हम लोग देख रहे हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसमें कि तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टाइल हो गया, ओवरी और स्टिग्मा। और ये ओवरी क्या रखता है? एग सेल, ओवरी में होता है एग सेल। तो ये हम लोग देख रहे हैं और ये दोनों यहाँ एन एन से एन इंडिकेट किया गया है, क्योंकि ये सिंगल है अभी, इसको हम लोग हैप्लॉयड बोलते हैं। जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2N, और इसको हम लोग फिर बोलते हैं डिप्लॉयड। डिप्लॉयड जब सिंगल एन है तो हैप्लॉयड बोलते हैं, जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये कंबाइंड करके 2N हो जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड।
इस तरह से एक बार हम लोग फिर इसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं फ्लावर वाला। ये स्ट्रक्चर हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहले भी आपको वीडियो में ये बताया गया है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है जिसमें आपको यहाँ ये देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। इस तरह से जो बर्ड को प्रोटेक्शन देता है, जब स्टार्टिंग में बर्ड होता है तो ये बर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अभी ये खिल गया है जब फ्लावर, तो ये नीचे हो जाता है ऐसे। इस तरह से ये बर्ड को ग्रीन इन कलर होता है। सेपल हम लोग क्या देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये सेपल देख रहे हैं, और ये सेपल ग्रीन इन कलर होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट्स बर्ड। दूसरा जो लेवलिंग है ये है पेटल, और पेटल ये है, इसको हम लोग कोरोला भी बोलते हैं, जो कि कलरफुल होता है और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ये दोनों जो हो गया सेपल और पेटल, सेपल को कैलिक्स भी बोलते हैं और पेटल को कोरोला भी बोलते हैं। तो ये दोनों जो नाम हो गया इसको हम लोग बोलते हैं एसेसरीज पार्ट। अब देखते हैं एसेंशियल पार्ट, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये पार्ट आ गया आपको, अभी जो हम लोग स्ट्रक्चर में देख रहे थे एंथर आ गया, और दूसरा हो गया यहाँ कार्पेल, स्टैमेन हो गया और कार्पेल। स्टैमेन में ही एंथर और फिलामेंट, ये दो पार्ट में डिवाइड है। इस तरह से पिस्टिल या कार्पेल या गाइनेशियम, ये तीन नाम इसका हो गया, पिस्टिल हो गया, कार्पेल हो गया और गाइनेशियम। और स्टैमेन को हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं, ये स्टैमेन, ये एंड्रोशियम। और इस कार्पेल के डायग्राम को फिगर को ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है स्टिग्मा हो गया, ये बीच वाला है पतला, ये हो गया स्टाइल, और ये स्वेलन पार्ट है, इसको यहाँ इंडिकेट किया गया है ओवरी। तो इस तरह से ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसको, ये कार्पेल को। तो ये अभी हम लोग देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और इसके बीच में है यहाँ पर, ये बीच में हम लोग देख रहे हैं ये ओव्यूल दिखाया गया है, जहाँ की फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल, स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर और टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल ऑफ द अनदर फ्लावर, अनदर फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ देखिए यहाँ पोलिनेशन अब आ गया। पोलिनेशन क्या होता है पहले आप ये जानिए, टर्म पोलिनेशन, व्हाट इज पोलिनेशन। तो ये होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, किसका हो रहा है, पोलन, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है। कहाँ तक होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर यहाँ एक बार आप डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम, ये पोलन ग्रेन तो इस पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, पोलिनेशन हम लोग किसको बोलते हैं। तो ये ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। आप इसको यहाँ पर ये लिख सकते हैं, अलग से यहाँ पोलिनेशन का ये नहीं दिया गया, लिखा हुआ है, इसलिए
यहाँ जो बोला जा रहा है इसको भी आप लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स ये फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर हो रहा है। पोलन ग्रेन्स एंथर सेल निकलकर स्टिग्मा तक जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, यहाँ देखिए बताया गया है दो तरह का पोलिनेशन है। ये है सेल्फ पोलिनेशन, यहाँ पर है सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, यहाँ क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। तो ये क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन, जब यहां हम लोग देख रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। कितने तरह का पोलिनेशन है, तो दो तरह के पोलिनेशन होते हैं, एक है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। देखिए सेल्फ पोलिनेशन किसको बोलते हैं कि जैसे एंथर है, एक फ्लावर है आपके पास, ये मान लीजिए कि आपको ये फ्लावर दिखाया गया है, ये फ्लावर बताया गया है, इसमें आपको स्टिग्मा है, स्टिग्मा भी है और इसी में एंथर भी है, स्टैमन भी है, और इसी फ्लावर के एंथर से जब पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या है सेल्फ पोलिनेशन, इसमें भी देखिए ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल ऑफ द सेम फ्लावर, जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा उसी फ्लावर की, एक ही फ्लावर है और उसमें स्टैमेन और कार्पेल दोनों हो, तो उसके स्टैमेन के एंथर से जब पोलन ग्रेन निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ये सेल्फ पोलिनेशन हो गया। और क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल ऑफ द अनदर फ्लावर, दूसरा एक दूसरा फ्लावर है और इसमें आपको यहाँ ये एंथर लोब है और यहाँ से पोलन ग्रेन निकलकर एक अलग फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है, यहाँ तक ये जो स्टिग्मा है हम लोग बनाते हैं यहाँ तक पहुँचता है, ट्रांसफर होता है, तब इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस, मीन्स अलग अलग हो गया, दो हो गया, तब इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। आगे देखते हैं द ट्रांसफर ऑफ पोलेंस इज अचीव्ड बाई एजेंट लाइक विंड वाटर और एनिमल्स। यहाँ ये बता रहा है, यहाँ क्वेश्चन भी आता है एक या दो नंबर तक का, राइट द नेम ऑफ एजेंट थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस। वो एजेंट का नाम बताना है जिसके थ्रू ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुँचते हैं, या पोलन ग्रेन्स का पोलेंस का ट्रांसफर होता है जिसके थ्रू, वो है विंड वाटर एंड एनिमल्स। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कभी कभी दो नंबर में भी आता है और एक नंबर में भी इसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बन जा रहा है। आफ्टर पोलिनेशन ए पोलन ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ पोलन ग्रेन्स थ्रू विच मेल जर्म सेल रीचेज द ओवरी एंड फ्यूजेज विथ द फीमेल जर्म सेल रीचेज द ओवरी एंड फ्यूजेज विथ द फीमेल जर्म सेल। ये देखिए इस लाइन को आपको समझने के लिए इस डायग्राम को यहाँ पर समझना पड़ेगा। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं
कि यहाँ पर दिखाया गया है कि एंथर से ये पोलन ग्रेन्स यहाँ स्टिग्मा तक आ गया। यहाँ कई ढेर सारा देखिए ये दिखाया गया है, जिसमें कुछ बर्बाद हो जाता है, कुछ यहाँ पे ठीक से नहीं पहुँच पाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ एक आप देख रहे हैं कि पहुँचने के बाद ये पोलन ग्रेन्स यहाँ जब पहुँचता है तो ये पोलन ट्यूब बनाता है। इस तरह से ये पोलन ट्यूब बना रहा है और पोलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, इसमें दो मेल गैमीट होते हैं। पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, यहाँ पर दो मेल गैमीट ये भी इसमें डिवाइड करके बनते हैं। तो ये देखिए क्या होता है कि ये जो मेल गैमीट है इसको फर्स्ट और सेकंड भी आप अपने से नाम रख सकते हैं। मान लीजिए कि इसको हम लोग फर्स्ट मेल गैमीट बोल रहे हैं, इसको सेकंड मेल गैमीट। तो ये क्या होता है, दो जो मेल गैमीट है, आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं ओवरी के अंदर, यहाँ लेबलिंग आप पहले देखिए, यहाँ पर नाम दिखाया गया है माइक्रोपाइल, ये है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा यहाँ अपर्चर होता है, जो कि जैसे चना में भी होता है, जिसके थ्रू कि हम लोग पानी में डालते हैं तो वो चना फूल जाता है, इसी माइक्रोपाइल के थ्रू वो चना में पानी जाता है जिससे कि चना फूलता है। तो इसी तरह का ये यहाँ पर अपर्चर है जिसको कि हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसलिए ये यहाँ दिखाया गया है। यहाँ दो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर एकदम अंदर का ये आप यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं यहाँ सिनर्जिड सेल्स यहाँ दिखाया गया है, ये है सिनर्जिड सेल और ऊपर में ये लेबलिंग है एक सेल। ये जो सिनर्जिड सेल है ये एक सेल को न्यूट्रिशन देता है, ये यहाँ पर दिखाया गया है एक सेल। और दूसरा जो बीच में आप देख रहे हैं ये पोलर न्यूक्लियाई को इंडिकेट किया गया है, यहाँ बीच में क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ टू है, एक सेल यहाँ सिंगल दिखाया गया, ये दोनों सिंगल और डबल बताया जा रहा है, तो इसका कुछ कारण है। यहाँ एक सेल कितना है इसको एक बताना, ये जो दो है ये सिनर्जिड सेल है, और यहाँ पर बीचों बीच में जो है इसके ओव्यूल के अंदर ये हो गया, बीच वाला को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और आगे है ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, ये कई लेयर में है, ये है इंटीगमेंट, इंटीगमेंट जो फ्यूचर सीड कोट बाद में ये क्या बना देता है, ये सीड कोट बनाता है, ये कवर जो सीड का होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट और इंटेगमेंट। और यहाँ देखिए ये बताया गया है, ये है लेवलिंग ओवरी वाल, ये बाहर वाला जो लेयर है इसको ओवरी वाल बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि जैसे ही पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होता है तो ये एक पोलन ट्यूब बनाता है, इसके अंदर दो मेल गैमीट भी होते हैं और ये पोलन ग्रेन्स है। तो इस तरह से आप ये लेवलिंग देख रहे हैं। और यहाँ पर जो ये बताया गया है ये तो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, ये कार्पेल के स्ट्रक्चर को इंडिकेट किया गया है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसमें ये पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमीट है, तो यहाँ दो मेल गैमीट बताया जा रहा है कि बनता है, तो पहला जो मेल गैमीट है वो यहाँ माइक्रोपाइल से इन करके यहाँ पर ये देखिए ये पोलन ट्यूब एलोंगेट करके यहाँ पर अंदर ये इन करता है, और फर्स्ट मेल गैमीट ये एक सेल से फर्टिलाइजेशन करता है, फ्यूज करता है यहाँ पर, जिसको कि हम लोग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पर करके ये क्या बना देता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट मेल गैमीट एक सेल के साथ फर्टिलाइज्ड करके ये क्या बना देता है यहाँ पर, जाइगोट। आगे देखते हैं जो सेकेंड मेल गैमीट है ये भी यहाँ से इन करता है और ये पोलर न्यूक्लियाई से, तो यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो मेल गैमीट है ये सिंगल होता है, एक गैमीट जो होता है वो एन होता है, कोई मेल या फीमेल सिंगल है जब तक, अगर मेल गैमीट कह रहे हैं तो ये एन हो गया, फीमेल गैमीट कह रहे हैं तो वो एन हो गया। तो
तो यहाँ पर जैसे ही इन करता है ये पोलन ट्यूब, यहाँ इन करता है तो फर्स्ट जो मेल गैमिट है पहला, ये भी यहाँ पर आकर और एक सेल से फर्टिलाइज्ड करता है और जाइगोट बनाता है, जो तब वो 2N हो जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, जो फिर सेकेंड मेल गैमिट है वो जाकर पोलर न्यूक्लियाई से यहाँ पर ये इससे फ्यूज करता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये दूसरा जो मेल गैमिट है, सेकेंड मेल गैमिट, वो भी N है, लेकिन इसके अंदर जो ये पोलर न्यूक्लियाई है, आप यहाँ देखिए यहाँ 2 है। तो ये सेकेंड मेल गैमिट N है, ये यहाँ पर 2N है जो पोलर न्यूक्लियाई है, तो ये कितना हो गया, जब फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, तो ये 2 और ये 1, ये 3 हो जाए। तो इसलिए यहाँ जब सेकेंड मेल गैमिट इस पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइजेशन करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। आपको एग्ज़ाम में ये आता भी है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन कैसे हो गया, ये फर्स्ट मेल गैमिट तो सिंगल एग से यहाँ फर्टिलाइजेशन किया, लेकिन सेकेंड मेल गैमिट खुद तो सिंगल है लेकिन यहाँ डबल पोलर न्यूक्लियाई कितना है, 2 है, उसके साथ फर्टिलाइजेशन किया, तो ये 2 और ये 1 मिलकर ये ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पर हो गया और ये बनाता है एंडोस्पर्म। और इस तरह से ये क्या करता है, आगे ये यहाँ पर न्यूट्रिशन देने का काम करता है एम्ब्रियो को, जाइगोट फर्टिलाइज करके। जब यहाँ पर फर्स्ट में फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और इस एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है। आगे देखिए, आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अभी समझने का, जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। जाइगोट, यहाँ जो आपको बताया गया जाइगोट, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड करके यहाँ जो बताया गया कि ये एक सेल के पास ये जो मेल गैमिट जब एक सेल से फर्टिलाइज करता है तो ये जाइगोट बनाता है और जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है विद इन द ओव्यूल, इस ओव्यूल के अंदर में, ओव्यूल में ही ना हो रहा है। द ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट। ओव्यूल क्या डेवलप कर रहा है, टफ कोट एंड इज कन्वर्टेड इनटू ए सीड। तो यहाँ पर याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो। तो जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो। और आगे यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखें कि ओव्यूल, ये ओव्यूल डेवलप्स, ओव्यूल क्या बनाता है, ओव्यूल पूरा ही ये स्ट्रक्चर जो है ये ओव्यूल का है और ये ओव्यूल एक टफ कोट बनाता है और ये किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। तो जाइगोट कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो और ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड। तो इस तरह से ये कन्वर्शन ये एग्जाम में आता है, इसको आप याद रखिए। आगे देख रहे हैं, ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रिपेंस। अब ये क्या होता है कि ये जो ओवरी है ये ग्रोज रैपिडली बढ़ता है और ये रिपेंस होने के बाद ये क्या बना देता है, फ्रूट का फॉर्मेशन। तो ओवरी क्या बनाया, फ्रूट। इस तरह से वाइल द सीड कंटेंस द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इंटू सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशन, दिस प्रोसेस इज नॉन एज जर्मिनेशन।
तो यहाँ व्हाट इज जर्मिनेशन, ये याद रखना आपको, द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच, सीड से ही ये फ्यूचर प्लांट बनता है, सीड हम लोग सॉइल में लगाते हैं, ये जर्मिनेट करता है इस तरह से, तो ये आगे फ्यूचर प्लांट होता है। एम्ब्रियो विच डेवलप्स इंटू ए सीडलिंग, जैसे इसमें छोटा सा बर्ड ये निकलता है, इसको स्टेम रूट्स, तो ये क्या हो गया, ये सीडलिंग। अंडर सूटेबल कंडीशन दिस प्रोसेस इज नॉन एज जर्मिनेशन, आप यहाँ से यहाँ तक जर्मिनेशन को लिखिएगा, द सीड से लेकर यहाँ तक ये जर्मिनेशन को हम लोग लिखेंगे, व्हाट इज जर्मिनेशन। फ्लावर कैन ऑल्सो बी यूनिसेक्सुअल, ये पहले भी बताया गया है कि फ्लावर दो तरह के होते हैं, इसको भी आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल। जब स्टैमेन और कार्पेल एक ही फ्लावर में रहेंगे दोनों, फ्लावर कैन ऑल्सो बी यूनिसेक्सुअल कंटेंस आइदर स्टैमेन और कार्पेल, या फ्लावर में या तो स्टैमेन होगा या कार्पेल, दोनों में से कोई एक होगा, तो वैसे फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसा फ्लावर जिसमें कि दोनों ही होते हैं एक ही फ्लावर में, उसमें क्या क्या होगा, ये आपको स्टैमेन और कार्पेल दोनों होंगे, बोथ स्टैमेन एंड कार्पेल, यहाँ देखिए दिखाया गया है, तो ये हो गया बाईसेक्सुअल, दोनों होंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होगा, तो हो गया बाईसेक्सुअल फ्लावर। और इसका एग्जांपल भी आता है, बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल आप लिखिए, तो यूनिसेक्सुअल का क्या हो जाए एग्जांपल में, पपाया वाटरमेलन, ये याद रखिएगा। और बाईसेक्सुअल का हो गया हिबिस्कस, इसलिए हम लोग लेते हैं क्योंकि स्टडी करने में आसानी होता है, हमेशा उड़हुल का जो फूल बोलते हैं उसका स्टडी हम लोग करते हैं, जब फ्लावर पार्ट्स ऑफ फ्लावर करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हिबिस्कस। और दूसरा हो गया मस्टर्ड, ये बाईसेक्सुअल होता है। तो इस तरह से अभी हम लोग देख रहे थे रिप्रोडक्शन इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट में हम लोग किसको देखते हैं रिप्रोडक्शन किस में होता है मेनली, किसके थ्रू, तो फ्लावर के थ्रू। और यहाँ पर हम लोग अभी स्टडी किए, यहाँ फ्लावर बताया गया, सेक्सुअल देखिए अभी हम लोग जो वीडियो देख रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का देख रहे थे, तो किस तरह से फ्लावर हेल्प करता है, क्योंकि फ्लावर में ही होते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ये दिखाया गया आपको स्टैमेन और कार्पेल, और ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, इसके पार्ट का स्टडी किया गया। इस तरह से आप इस डायग्राम को भी आप बनाइएगा, एनसीईआरटी बुक में भी ये दिया हुआ है, ये डायग्राम इसको आप बनाइएगा, और इस तरह से इसका वीडियो से आप स्टडी करेंगे, अलग अलग आप क्वेश्चन भी इससे तैयार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।